हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक स्टेनोग्राफर 2020 का सामान्य हिंदी का हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो यह सीरीज तब तक चलेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, एक भी सीरीज मिस मत कीजिए। और अगर आप CTET, UGC, NET इत्यादि की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह पहले पेपर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं UGC, NET, JRF या फिर CTET की, तो उसके लिए हमारी अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसकी कंप्लीट क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपको पता होगा प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, पर इसका हल देखते हैं। ए जो है वह प्रश्नवाचक चिन्ह है, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह है, सी अल्पविराम चिन्ह है और डी अर्धविराम चिन्ह है। ये जो होता है डैश, ये योजक चिन्ह कहलाता है। खड़ी पाई को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। डबल स्क्वॉटेड कामा उद्धरण चिन्ह होता है और यह है कोष्टक चिन्ह। तो यहाँ पे कुछ चिन्हों के बारे में दिया गया है जिसमें से एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में दंते वर्ण कौन सा है? दंते वर्ण, तो ऑप्शन ए सही है। दंते वर्ण है सा, पा है ओष्ठ वर्ण, टा है मूर्धा वर्ण और हा है ऊष्मा व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो पा बा मा था, तो सही उत्तर है मा, ऑप्शन सा अनुनासिक वर्ण है। पा ओष्ठ वर्ण है, बा ओष्ठ वर्ण है और था दंते वर्ण है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, महाधन इंद्र। यहां महेंद्र होगा। अब इसका विस्तार देखते हैं। यह है ए, महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र है। महेंद्र गुड़ संधि का उदाहरण है। गुड़ संधि कब होती है? जब छोटा आ ओ के साथ छोटी ई बड़ी ई हो, तो छोटी ई बड़ी ई का ए हो जाता है। छोटा आ ओ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ को ओ मतलब ओ में बदल देते हैं। फिर छोटा आ बड़ा आ के साथ ऋषि हो तो अर में बदलते हैं। तो यहां पे क्या होता है? गुड़ संधि। अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? ऑप्शन है यहां कुछ दिए हुए हैं जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन तत्पुरुष समास बी। तो कौन सा है राज दरबार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब कैसे है राज दरबार अर्थात राजा का दरबार, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद का लोप होता है। तो राज दरबार, साथ ही कारक चिन्हों का भी लोप होता है तथा प्रथम पद विशेषण व द्वितीय पद विशेष से होता है। तो यहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो सही उत्तर है यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद का लोप होता है। साथ ही क्या होता है? तथा सामासिक पद अव्यय होता है। इसमें समुच्चय पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, आमरण, आजन्म, अभ्यागत, यथाक्रम, यथा नियम इत्यादि। तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद का लोप होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहां कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहां जो विदेशी शब्द है वह है मील।
क्योंकि मयूर वचन मध्य यह देशज शब्द है, मील विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे विदेशी शब्द है जो शब्द विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं, जर्मनी इटली अंग्रेजी फ्रांस आदि भाषाओं से लेकर अपनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं, डॉक्टर टॉफी कॉफी इत्यादि। अगला प्रश्न है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक समूहवाचक। तो सही उत्तर है ए व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहां जो सो कोई कौन, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, ऑप्शन डी सही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चितवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, कुछ कैसा गरीब सफेद, तो सही उत्तर है ए कुछ संख्यावाचक विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद हैं, गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक विशेषण। सार्वनामिक वाचक विशेषण तो कौन कौन से, गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण, तो 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, वायु समीर पवन सलिल, तो सलिल नहीं है, वायु भी है समीर भी है पवन भी है, सलिल नहीं है। सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि सलिल पानी का पर्यायवाची शब्द है। सलिल किसका है, पानी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ज्योत्सना पुण्य उन्नति क्षमा, तो सही उत्तर है ज्योत्सना, ऑप्शन ए ज्योत्सना शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, पुष्प पूज्य परिस्थिति प्रशंसा, तो पुण्य, अशुद्ध शब्द पुण्य है, पुण्य ऑप्शन बी पुण्य। अगला प्रश्न है यह पुण्य है, सॉरी पुण्य। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द है, प्रभाव भाषा निर्माण विवाह, तो भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं घर जाना है मैंने घर जाना है मुझे घर जाना है मैंने घर जाने हैं, तो ऑप्शन सी यहां पे सही है मुझे घर जाना है। अगला प्रश्न है आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, आदेश ऑर्डर रिक्वेस्ट गाइड डायरेक्शन, तो आदेश का होता है ऑर्डर, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद होगा ऑर्डर, तो इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद ऑर्डर है। अगला प्रश्न है टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, अध्ययन अध्यापन निरीक्षण शिक्षण, तो टीचिंग का जो है वह है शिक्षण, टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा शिक्षण, टीचिंग शिक्षण ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, लखनऊ इलाहाबाद मथुरा वाराणसी, तो सही उत्तर है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, ब्रज भाषा सबसे ज्यादा कहां भी बोली जाती है, मथुरा में उत्तर प्रदेश, लखनऊ व इलाहाबाद में अवधी, वाराणसी में भोजपुरी, ब्रज भाषा हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, पश्चिमी हिंदी का विकास
शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यह था ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। अगला प्रश्न है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? परिपत्र, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेतन नहीं होता है, इसमें अधोलेख भवदी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी, परिपत्र के संबंध में गलत कथन है, इसमें अधोलेख भवदी की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी यहां पे गलत है। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहां पे जो गलत है वह है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो यह गलत है, यहां पे यह पत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? का, खा, चा, गा। तो गा घोष वर्ण है, उत्तर है डी, गा घोष वर्ण है। आधा गा, आधा धा, आधा ढा, आधा ज्या, आधा झा, अधिया, टा, ढा, ढा, ना, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा, जितने भी हैं घोष वर्ण है, ये समस्त वर्ण घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन है जितने यहां पे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, संहार में व्यंजन संधि है तथा संहार का सही संधि विच्छेद है समधन हार संहार। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द, चक्र, चांद, छेद, छत। तो चक्र, चांद, छेद, छत्र में कौन सा शब्द तत्सम है? तो चक्र, ऑप्शन ए, चक्र तत्सम शब्द है, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं तथा हिंदी में उनका ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, आज्ञा, चक्र, ऋषि, मुनि, क्षीर इत्यादि। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत भाषा से लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, यौवन, जीभ, जीर्ण। तो जीभ तद्भव, जीभ तद्भव शब्द है, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं परंतु हिंदी में उनका ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं किया जाता है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जीभ, सूरज, चांद, मछली। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। तो सी है दिलाना, सी प्रेरणार्थक क्रिया है। जिस वाक्य में प्रेरणा, आज्ञा, याचना और कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तुम बाहर चले जाओ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये दो शब्द हैं जो कि प्रेरणार्थक क्रिया पे वर्क करते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा सखी। भौरा सखी अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, वहां आना अच्छा नहीं है। तो सही उत्तर है बी, संयुक्त वाक्य है। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, बी, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। जिस वाक्य में मुख्य वाक्य और उपवाक्य किसी संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम के आते ही सभी बच्चे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में सुझाव जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।